is asked to realize the 8:1 multiplexer using 4:1 or using 2:1. So you should be able to do it. Similarly, draw the basic logic diagram for any multiplexer, may it be 8:1, 16:1 or 4:1. So you should be able to do it, I suppose. Now there is one more topic that we'll try to focus on, that can we realize any Boolean function? Let us say, suppose it is say, we realize any Boolean function. Suppose let's say f of a, b, c equal to a bar, b bar, c bar, or a, b bar, c, or a bar, b, c, or a, b, c. So will it be possible to implement this using 8:1 box? How should we do it? इस टाइप के प्रॉब्लम को अब हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि इसको अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे। तो अभी देखो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो अपना अल्टीमेटली अगर मल्टीप्लेक्सर आप देखेंगे तो किस तरीके से रहता है मल्टीप्लेक्सर हमारा रहता है कि लेट्स से इफ दिस इज द मल्टीप्लेक्सर, इफ दिस इज द मल्टीप्लेक्सर, सो व्हाट वी कैन से इन दिस वे, देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज वी कैन से। सपोज ये अगर 8:1, let's say it is 8:1, so this will be I0, this will be let's say I1, aise karte karte ye I7, isme teen select line rahenge, S0, S1, S2, aur yaha pe y rahega, to humko malum hai ki y is something function like this one, y is a, S2 bar, S1 bar, S0 bar, I0, फिर S2 बार, S1 बार, S0, I1 प्लस करते 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 बहुत सारा रहेगा S2, S1, S0, I7। ये आपको मालूम है, इसका मतलब हमारे पास ये सभी के कॉम्बिनेशन है, I0 का है, I1 का है, I7 का है, विथ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। व्हाट इफ लेट्स से कि वी कैन थिंक ऑफ इट एज समथिंग, यू कैन से लाइक दिस वन, कैन आई से इफ आई ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस वन, can you see that for you can say 8:1 multiplexer we have 8 different inputs, we have 3 select lines, and what is this form? If you just see, it's like a AND followed by OR, so this is a form of you can say SOP only, sum of product. If you see the expression, this expression, if you observe, this is in the form of SOP only, and we know it is very easy to realize because this is also, it is in SOP, this is also in SOP, because we know for every all possibilities, every all possibilities we have an AND. For example, if this is S2, S1, S0, it will be S2 bar, S1 bar, S0 bar, matlab 0, 0, 0 ke liye, 0, 0, 1 ke liye, 0, 1, 0 ke liye. And lastly 111 means S2, S1, S0 के लिए, और सब में उसका respective input है, तो ये हम आसान हो सकता है हमको करने के लिए, कैसे? Just what you need to do कि ये इसको summation of minterm में देखो कि क्या है, ये जैसे 0 है, ये क्या है 100, यानी ये है 001 यानी कि 1, ये 100 यानी 4, और ये 111 यानी 7, so simply आप देखो इसके लिए वाला एंड कौन सा, इसके लिए वाला एंड कौन सा, इसके लिए वाला एंड करता है, इसको क्या है, और तीनों को सिलेक्ट की जगह अगर आपने ये इनपुट लगा दिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे? जस्ट सोच के देखो कि मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ और इसमें ये जताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अगर मुझे रियलाइज करना है, क्या रियलाइज करना है मुझे, कि माय एफ इज समेशन ऑफ 0147, so our f of abc is summation of midterm 0147, so ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ, बस a is select line नहीं, इसको a बना दो, s2 को, इसको b दे दो, इसको c दे दो, अब s2, s1, s0 की जगह क्या आएगा यहाँ पे, a bar, b bar, c bar, और i0 अगर i1, i2, i3 है, उसमें क्या करना, जो मिनटर्म आपको चाहिए है उसको सिर्फ 1 कर दो, मतलब क्या, इस लाइन 0 1 इनको कनेक्ट कर दो, फिर 4 और लास्ट में 7 इनको VCC या लॉजिक 1 दे दो। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये y इक्वल टू जो आया था आपका S0 आ रहा था, यानी कि M0 था, M1 था, M4 था, M7 आ रहा है, जिसमें M0 क्या रहेगा, A bar, B bar, C bar, ended with I0 रहा रहता, जिसको कि आपने 1 कर दिया,
तो ये अपने आप आपको जो चाहिए वो आ गया, एम वन की जगह बराबर ए बार बी बार सी आ गया, एम फोर की जगह आपका आ गया ए बी बार सी बार और लास्ट में ए बी सी, कितना आसान सा हो गया है। तो इसमें आपको याद रखने वाली चीज क्या है कि जो भी दिया है, जो फंक्शन आपको रियलाइज करना है, बस उसको आप वो कनेक्शन कर दो। इसका मतलब क्या है कि सपोज रियलाइज ए एफ ऑफ ए बी सी 1 2 3 5, जस्ट कुछ नहीं, ये देखो कितने फंक्शन का है, 3 सिलेक्ट लाइन है और एक आउटपुट है, कुछ नहीं करना, ये किस चीज का फंक्शन है ए बी सी, इसके सिलेक्ट लाइन को ए बी सी दे दो और ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें जो मिन टर्म है इनको 1 कर दो, यानी ये 1 दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3 और लास्ट में ये 5, ये जो आया है इसको लॉजिक 1 दे दो या जिसको बोलते हैं हम बीसीसी, और जो बचे हुए है इन सबको 0 कर दो, यानी कि ग्राउंड कर दो, लॉजिक ये कर दो, ठीक है, ये इसको इस तरीके से दिखाना जरूरी है। तो ये ग्राउंड हो गया मतलब लॉजिक 0, यहाँ पे बताया था कि मैं भूल गया शायद, हाँ ये जो बचे हुए है इन सबको i2 i3 i5 और i6 जो जरूरत नहीं थी, तो हो गया ये रियलाइजेशन। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस कि कैसे करना है इसको, जो मीन टर्म दिए है बस उसको लॉजिक 1 कर दो, ये एक वे है। और एक दूसरा मेथड है, क्यों कि अगर हम इसको, ये 3 वेरिएबल का है तो हमको 8:1 लग रहा है, क्या अगर हम इसको 4:1 से कर सकते क्या, तो यस एक कम में कर सकते, कैसे कर सकते, लेट अस लर्न। ये क्या है एफ ऑफ एबीसी, फिर थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेंगे, पहले छोटा ले लेते हैं। तो रियलाइज दी फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग, सपोज इसको बोला कि 4:1 मक्स, ये बोल दिया है ये सपोज करना है, तो एफ ऑफ एबीसी इज इक्वल टू लेट से समेशन ऑफ मिन टर्म लेट से 1 2 5 6 7। तो इसमें अब आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे दिया है 3 वेरिएबल और आपको बोल रहा है ये 4:1, तो कैसे करेंगे, 4:1 में कितने सिलेक्ट लाइन रहते, 2 ही सिलेक्ट लाइन रहते, तो फिर कैसे करना। तो इसकी बहुत ही सिंपल मेथड है अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, तो क्या करना है, इसका जो ये एमएसबी है इसको अपन अभी, इसके पहले इनपुट क्या करते थे, ग्राउंड और 1 और 0 ही दे देते थे, इसको क्या करते थे, ये जो है या तो 1 दे देते थे या 0 दे देते थे और यहाँ पे सिलेक्ट लाइन दे देते थे, तीनों इनपुट यहाँ दे देते थे। अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट यहाँ से इसको जो है सिलेक्ट लाइन में देगी और ये जो एमएसबी है इसको एज ए इनपुट लेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ए की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो ए बार रह सकता है या ए रह सकता है, या हम बोल सकते कि एबीसी जब लिखेंगे तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, तो ये इतनी एंट्री ए बार वाली है और उसके बाद 1 0 0 1 0 1, ये जो बाकी की एंट्री है ये ए वाली है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए बार और ए इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया और सब मिन टर्म जो लिख रहे हैं उसको ना गिनती में लिख दो, तो 3 है तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, 8। इसको क्या करना है, सिंपल इसको काउंटिंग में आधे आधे लिखना है, इसको पहले सीरियली लिखना है, 0 1 2 3, ये 4 हो गए, इसके बाद ये आप 4 5 6 7, आप इसको समझ भी सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ए बार वाली कौन कौन सी एंट्रीज है, ये देखो ए बार वाली एंट्रीज ये कौन सी, M0 M1 M2 M3, मतलब 0 1 2 3, और A वाली कौन सी है, M4 M5 M6 M7, तो ये A के सामने जो है 4 5 6 7 और A बार के सामने 0 1 2 3। ये टेबल बनाना समझ में आ गया कि आपको हॉरिजॉन्टली जाना है, इसको हॉरिजॉन्टली जाना है ना, आपका सही हो जाएगा, जितने भी इसकी पॉसिबिलिटी बनते हैं आधे A बार को दे दो और आधे A को दे दो नेक्स्ट वाले, ये समझ में आया कि पहले बताओ, यस सर, बस 0 1 2 3 4, 5, 6, 7, इस तरीके से गए। अब दूसरा नेक्स्ट काम क्या रहेगा कि इसमें जो मिनटर्म्स अपने को चाहिए उसको राउंड कर दो, कौन कौन से, 1 2 5 6 और 7, ठीक है, राउंड कर दिया आपने, ये समझ में आ गया, जो जो है वो कर दिया अपन ने राउंड। अब वर्टिकली ऑब्जर्व करो, अगर ये इसको, ये पहले देखो 0 और 4 को राउंड नहीं हुआ है ना, तो इसको 0 दे देना है, अगर ये दोनों राउंड हो गए तो इसको 1 दे देना, दोनों राउंड हो गए तो 1 दे देना, और जिसमें सिंगल राउंड है तो वो किसके लिए हुआ वो दे देना यहाँ पे, तो ये 7 हुआ है, ये A के लिए हुआ है तो यहाँ A, अगर 3 को हुआ रहता तो यहाँ A बार आ जाता था। सिंपल बोल सकता हूँ यहाँ पे कि नो ग्रुप 0 बोथ ग्रुप 1, ठीक है, राउंडिंग, और सिंगल ग्रुप C हॉरिजॉन्टली एंड राइट
दैट वेरिएबल, ए बार होगा तो ए, ए होगा तो ए, दोनों के एग्जांपल लेना चाहता था, वो आया नहीं ए बार वाला, यहाँ ले सकता था क्या मैं, हाँ आपको जस्ट आपको दिखाने के लिए छह निकाल देता हूँ मैं, ठीक है, ये छह निकाल देता है ना, आपको वो वाला भी एक एग्जांपल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, अगर टू ही मार्क किया तो ए बार, हाँ बस यही देखना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे ए बार आ जाएगा इस तरीके से। अब क्या हो गया, अगर हमारे पहली मेथड से इसको मल्टीप्लेक्सर कौन सा लगता, 8s to 1, लेकिन अब हम 4s to 1 से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अभी हम ये 4s to 1 ड्रॉ कर दिए, और इस 4s to 1 में ये चार इनपुट है, कौन कौन से, 0, 1, 2, 3। अगर 4s to 1 है तो दो ही इसके सिलेक्ट लाइन रहेंगे, क्योंकि 2s to 4, 2 = 4, तो ये सिलेक्ट लाइन बताता है। यहाँ 0s1 रहा रहता है, तो अपन ने क्या दे रहे हैं, अपन यहाँ पे, यहाँ हम ABC में से ये जो BC है वो यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा दिया BC। अब यहाँ पे देखना है ये वाली लाइन को, कि जीरो को क्या है, ये जो ये ऊपर के देखना है, ये जीरो को क्या है, तो जीरो को जीरो है, इसको ग्राउंड दे दो, ये लॉजिक जीरो। फिर नेक्स्ट वन को क्या है, ये वाले इसको देखना, वन को क्या है, लॉजिक वन, तो इसको VCC लगा दो, ये लॉजिक वन हो गया, ठीक है। सेकंड को क्या है, ए बार है, यहाँ पे दे दो ए बार, और इसको क्या है, इसको है ए, आप चाहे तो इसको ऐसा इन्वर्टर बना के ए बार निकाल सकते हैं चाहे तो। यानी थ्री को हमने क्या दिया, ए दे दिया, टू को क्या दे दिया, ए बार, और वन को क्या दिया, वन, और इसको क्या दिया, जी। अब ये जो है, ये y is a function of ABC which is summation of mean term, कौन से 1, 2, 5, 7, इतना बन गया आपका। मैं चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं, आपका और क्लियर हो जाएगा। ये रियलाइज f of ABC summation of mean term, let's say 1, 2, 5, 6, 10, 14, 15, ओके। अब ये हम कौन कौन से मल्टीप्लेक्सर से कर सकते हैं बताओ, कितने कितने साइज के मल्टीप्लेक्सर से, ओल्ड मेथड है ने? जितने वेरिएबल है उसके हिसाब से सोचना। चार वेरिएबल है तो 2s to 4, 4s to 1, मतलब 16s to 1 मल्टीप्लेक्सर। लेकिन हम थोड़ा स्मार्ट वे से करना चाहते हैं, तो चार वेरिएबल है, तीन वेरिएबल हम सिलेक्ट लाइन को देंगे, तो ये 8s to 1 मल्टीप्लेक्सर से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जस्ट सेम वे। क्या करते हैं हम, सबसे पहले बताओ, ये जो MSP है इसके दो पॉसिबिलिटीज लिख देते हैं, ए बार और ए, और फिर क्या करते हैं, फिर हम ये जो कुछ है इसको काउंटिंग, यानी जो मिड टर्म है उसके शुरू कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आधे इधर दे दिए, नेक्स्ट इधर आएंगे, 8 आते ही ये MSB A1 हो जाता है ना, 8 से लेकर 15 तक के ये A1 रहेगा, 12, 13, 14, 15। नेक्स्ट काम क्या करते बताओ, सर्कल, सर्कल करते हैं, बराबर है ना। तो अभी कौन से इसको सर्कल करते हैं, हम कौन से इसको सर्कल करेंगे बताओ, ये जो मिड टर्म है इनको सर्कल करेंगे। चलो 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, एक और दे देता हूँ यहाँ पे 4, ठीक है, 4 और ये 15। अब मुझे बताओ यहाँ क्या लिखूं, पहले कॉलम में क्या लिखूं, 0, 0, नेक्स्ट 1, 1, यस 1, 0, 0, ए बार, बहुत सही, 1, वेरी नाइस, 1, ए, सबके समझ में आया कि ये सिंगल सर्कल है, तो ये जिस हॉरिजॉन्टल में आता है वो लिख रहे हैं, जैसे ये सिंगल सर्कल था 4 वाला, इसके हॉरिजॉन्टल में ए बार है, ये लिख दिया, अगर दोनों सर्कल है तो 1 कर दिया, दोनों नहीं है तो 0 कर दिया। कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे, 8 वाला, और यहाँ पहले मिन टर्म के लिख देना ताकि गलती ना हो, और एक मैंने MSB छोड़ के बाकी सबको यहाँ पे दे देना, पहले यहाँ दे देंगे हम BCD, और 0, 1, 2, 3, 4, 7 में क्या देना है वो हमारा इसमें दिया हुआ है, ये जो आया है ये हमारे यहाँ पे कनेक्शन रहे, ठीक है ना। तो बताओ पहले को क्या देना, या ऐसे देखने के जब बजाय क्या देखना, मैं बता रहा हूँ आप देखना कि जीरो किस किस में है, किस किस में है, 0 और 3 में है, इसका कनेक्शन एक बार कर देना, और फिर इसको 0 देने के लिए यहाँ चाहे तो ग्राउंड दिखा देना, और यहाँ लॉजिक 0 दिखा देना। अब 1 कहाँ कहाँ पे है देखो तो जरा, 1, 2, 5, 6, चाहे तो आप इसको इधर लाके इधर दिखा दे, ये इस तरीके से डॉटेड बनाना चाहिए, इसको लॉजिक 1 देना है, तो मैं यहाँ पे VCC दिखा के लॉजिक 1 बोल सकता हूँ, ठीक है, इसको ग्राउंड दिया 0। अब बचा क्या है, ए कितने बार है, एक ही बार है, दो बार रह रहे थे तो कनेक्शन करते, और ए बार कितने बार है, एक ही जगह है, ए कहा है 7 में, तो इसको ए दे देते हैं, इसको मैंने ए दे दिया, और इसी का इन्वर्टेड किसको देना है, 4 को, बस इतना आसान है, हो गया।
ये यहाँ ए बार मिल गया और यहाँ ए मिल गया, और ये आपसे ये अगर लिखोगे नहीं तो मार्क्स कटेंगे। ये इनपुट के लिए है, ए और ए बार देने से ये ए दे दिया, इधर ए बार दे दिया, आपका रियलाइज हो गया ये समेशन ऑफ मिन टर्म 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15। तो अब आप कर सकोगे कोई भी ये सब चीजों से रियलाइज कर सकोगे, आसान है ना? यस सर। यस वेरी गुड, ये इजी टेक्निक है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे कोरा में सॉल्व करके रखे हैं, चाहे तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं या मैं एक दो शेयर करूंगा, ठीक है। तो आई होप कि दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड दिस, दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है ना? यस सर। चलो तो आपको ये बोलता कि रियलाइज इस तरह कुछ बोल देता, आपको मालूम है मैक्स टर्म में ये मैक्स टर्म है तो ये जीरो रहने चाहिए, ये 1, 2, 3, 7, 9, 14, 15 ये जीरो रहने चाहिए थे, और वन कौन से रहेंगे जो नहीं है, तो जो नहीं है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। एक्चुअली यहाँ जो नहीं है मतलब 0, 4, 5, 6 ये जो है ये वन करना है, ये रहेंगे तुम्हारे मिन टर्म, और बाकी सब जो है वो नहीं रहेंगे, ये क्योंकि मैक्स टर्म में ये जीरो के लिए रहता है, ये सब 2, 0, 3, 0, 7, 0। तो ठीक है, तो should we switch to demultiplexer now? Yes, sir. Okay.